हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज बाय थर्मल एनर्जी। किसी भी पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा देने से वह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। वह ठोस, द्रव व गैस का अंतर परिवर्तन होता है। जैसे ठोस को ऊष्मीय ऊर्जा देने से द्रव बनता है, वह द्रव से गैस ऊष्मीय ऊर्जा देने से या द्रव को ऊर्जा प्राप्त होने से बनती है। ठोस में कण सामान्यतः अत्यधिक निकट पाए जाते हैं व आपस में मजबूत बंधों से जुड़े होते हैं। ताप या ऊष्मा देने से यह बंध टूट जाते हैं और कणों के मध्य दूरी बढ़ जाती है, जिससे यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में कणों के मध्य बंध कमजोर होते हैं। इन्हें और अधिक ऊष्मीय ऊर्जा देने से इनके मध्य की दूरी और बढ़ जाती है व इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पात्र में ठोस को गर्म करने पर वह धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगता है, और अगर हम इसे और अधिक समय तक गर्म करते रहें तो यह द्रव से गैस बनना भी प्रारंभ कर देता है। इसको ठंडा करने पर ठीक इसके विपरीत क्रिया होगी।